हेलो ऑल, वेलकम यू इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज जैसे कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी सिक्स के बाद, टुडे मॉडल पेपर सेवन अपन जिसमें 25 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट एंड स्वीट में ईच क्वेश्चन के ईच ऑप्शन के साथ एक्सप्लेन कर दिया जाए, सभी क्वेश्चन ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि हर क्वेश्चन पे होने वाले चार ऑप्शन जो होते हैं उसके आंसर आपको क्लियर हो। चलिए सर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन द ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, विच डिटरमाइन द ऑन्कोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा प्रोटीन रहता है उसका मेन फंक्शन है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा पहले प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा क्या है, ब्लड में होता है, मीनिंग सेम है, प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा और ब्लड। ठीक है, मीनिंग यही है कि ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। एज सिंपल एज जो वर्ड है उसका सेम मीनिंग यही होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। जो ब्लड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। ऑन्कोटिक प्रेशर, अभी यहां पे ये चीज समझनी होगी कि ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर ये है जब कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये मान लो आपके सोल्यूट है, ठीक है, ये क्या है सोल्यूट, और ये क्या है वाटर सॉल्वेंट, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूट जो कि ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट टुवर्ड्स, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट और H2O टुवर्ड्स द सोल्यूट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। आप समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई पोट है, ठीक है, इसके अंदर यहां पे शुगर है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस साइड वाटर है, तो मूवमेंट ऑफ द वाटर टुवर्ड्स द सोल्यूट, शुगर के कणों की ओर जो मूवमेंट ऑफ द वाटर और लिक्विड होता है उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्योंकि यहां पे सोल्यूट कम है, जो ठोस पदार्थ कम है, तो पानी क्या होगा ठोस पदार्थ की ओर मूवमेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ये जो सोल्यूट है इसका लेवल बढ़ जाएगा और जो वाटर का लेवल है कम हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट लिक्विड टुवर्ड्स द सोल्यूट, और पानी की मात्रा ज्यादा से जहां पे ज्यादा है उससे कम की ओर मूवमेंट होगी, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये मैंने ऑस्मोसिस आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। नेक्स्ट, अब ऑप्शन की ओर आते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आपको बता दिया, ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन ए है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथोम्बिन। तो ये चारों प्लाज्मा प्रोटीन के चार टाइप है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथोम्बिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है पता है आपको, चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज द करेक्ट आंसर। तो एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन सीधा हो गया टू मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कौन सा मेंट, आप पहला क्वेश्चन बन सकता है प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, तो ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सोल्यूट वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब जो सॉल्वेंट रहता है लिक्विड फॉर्म रहता है वो ठोस की ओर लिक्विड फॉर्म मूव करता है और उस साइड खींचा जाता है वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं उसे ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। अभी प्लाज्मा प्रोटीन चार टाइप की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फर्स्ट इसका क्वेश्चन का आंसर है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर को ही ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, विच प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंस
मोस्ट एबुडेंटली कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, स्पष्ट भाषा में अपन बोले तो उसका करेक्ट आंसर है एल्बुमिन, मोस्ट एबुडेंटली। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये बन सकता है, एल्बुमिन का लेवल क्या होता है, 3.5 to 5.5 mg per dl, एल्बुमिन का लेवल होता है नॉर्मल लेवल 3.5 to 5.5 mg per dl। ये लेवल देखते ही आपको अगला क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ द सीरम पोटेशियम लेवल। तो सीरम पोटेशियम लेवल का भी नॉर्मल लेवल कितना है, 3.5 to 5.5, बट इसका यूनिट क्या है, मिली इक्विलियम पर लीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका यूनिट ही अलग है, बाकी आप इसी तरीके से आप याद कर सकते हो, सीरम एल्बुमिन लेवल सीरम पोटेशियम लेवल सेम होता है, एल्बुमिन एमजी पर डीएल होता है, पोटेशियम मिली इक्विलियम पर लीटर होता है। ठीक है, तो एल्बुमिन पे तीन क्वेश्चन बनने वाले, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन क्या है, ठीक है, ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, ग्लोबुलिन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। ग्लोबुलिन क्या करता है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अपने शरीर में बनाने में हेल्प करता है। कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है, कोई भी एंटीजन मतलब अपने अंदर जो भी वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और उसको जो भी एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको खत्म करता है। तो इसमें मेन फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी का फंक्शन किसमें है, ग्लोबुलिन। फाइब्रोजन क्या होगा, मेंटेन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी को कौन मेंटेन करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो ब्लड का चिपचिपाटापन रहता है उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसे फाइब्रिनोजन मेंटेन करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, तो फिर ये तीनों का फंक्शन तो अपन ने समझ लिया, प्रोथ्रोम्बिन को समझने के लिए इट हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, इट हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, इट हेल्प इन द ब्लड, ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये एक तरह से क्लोटिंग फैक्टर है। तो ये अपन ने अच्छे से चार क्वेश्चन क्लियर किए, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या है, एल्ब्यूमिन क्या है, ग्लोबुलिन क्या है, फाइब्रिनोजन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अकर इन विच कंडीशन, क्वेश्चन ये है, टर्मिनोलॉजी समझिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसमें होता है, डेंगू फीवर में, डेंगू हेमरोजेनिक फीवर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। डेंगू फीवर किससे काटने से होता है, एडिस एगिप्टी से काटने होगा, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होता है, व्हाई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अकर्स, बिकॉज डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट काउंट होती है वो कम हो जाती है, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सीधा आंसर ऑप्शन क्या है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज द आरबीसी, डिक्रीज द लेवल ऑफ आरबीसी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट, ठीक है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1 lakh to 4 lakh, ठीक है, बिलो डिक्रीज मतलब 20,000 से कम हो जाता है तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगा, तो कभी जब किसी को डेंगू फीवर हो और प्लेटलेट कम हो जाए तो घबराना नहीं है, जब तक 20,000 से कम नहीं होगी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं होगी, मतलब अपने आप इंटरनल ब्लीडिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द टिश्यू इज टर्म एज, क्वेश्चन पूछ रहा है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना क्या कहलाता है, ठीक है, ए ऑप्शन एनोक्सिया, एनोक्सेमिया, अपनिया, साइनोसिस। क्वेश्चन क्या है, जब टिश्यू या सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाना क्या कहलाता है, उसका करेक्ट आप सबने पढ़ा होगा हाइपोक्सिया, ठीक है, तो हाइपोक्सिया भी करेक्ट आंसर है, हाइपोक्सिया को ही बोलते हैं एनोक्सिया, ए इज द करेक्ट आंसर।
अभी एनोक्सेमिया क्या है? ऑक्सीजन की कमी ब्लड में हो जाना, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? एनोक्सेमिया। दूसरा टर्म है हाइपोक्सेमिया। नेक्स्ट अपनिया क्या कहलाता है? सीजेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने के, अपने जो सांस लेने की आदान प्रदान करने की क्षमता है वो बंद हो जाती है, उसे बोलते हैं अपनिया। साइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिसकलरेशन। ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द बॉडी, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द बॉडी को क्या बोलते हैं? साइनोसिस। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी अपन ने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ द फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज नोन एज, समझना होगा प्रेजेंस, यहाँ पे इस शब्द पे बहुत जोर दिया गया है, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल। अपन ने पढ़ा होगा स्टूल में ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल को क्या बोलते हैं? मलिना, ब्लड इन स्टूल। लेकिन इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वर्ड आ गया है, मैक्सिमम बच्चे अपन को CHO में OMR शीट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन क्वेश्चन होने की, पेपर होने की संभावना कम है, तो तुरंत क्वेश्चन देके सोल्व नहीं करना है, समझना है, नहीं तो एक बार टिक कर दिया मतलब आपका मार्क्स गया नॉलेज होने के बाद बावजूद भी, ठीक है। हेमेटमेसिस, हेमेटमेसिस क्या बोलते हैं? ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग को हेमेटमेसिस बोलते हैं, ठीक है। हिमोप्टेसिस, अपन जब बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं हिमोप्टेसिस तो अपनी जीभ बंद होती है, जब स्पुटम ब्लड प्रेजेंट इन स्पुटम इज कॉल्ड एज हिमोप्टेसिस। हेमेटोचेसिया, ब्लड प्रेजेंस इन स्टूल, ठीक है। आप बोलोगे इसमें भी यही लिखा है, इसमें भी ये लिखा है, लेकिन ये कौन सा होता है? फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल को क्या बोलते हैं? हेमेटोचेसिया, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट, कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपने, अपन ने सबने देखा है, एक्सिलरी है, फोर हेड से हर जगह से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कोर, कोर आगे जोड़ दिया, कोर का मीनिंग है इंटरनल, इंटरनल ऑर्गन के बॉडी टेम्परेचर के तापमान को चेक करने को क्या बोलते हैं? कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। राइट एट्रियम इंटरनल ऑर्गन है, रेक्टम इंटरनल ऑर्गन है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटरनल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब टू चेक द टेम्परेचर, अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन के टेम्परेचर को चेक करना कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। बेस्ट पोजिशन फॉर द हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक या क्या बोलते हैं, जिसमें बॉडी फ्लूइड लेवल रिड्यूस, बॉडी में फ्लूइड लेवल की कमी हो जाने को बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। जब फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्या होगा? डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो अपन कौन सी पोजीशन देते हैं? साइडलाइन, फॉवलर, टेंडलनबर्ग, नीचे पोजीशन, ठीक है। तो अपन का करेक्ट आंसर कौन सा है? ट्रेंडलनबर्ग। अपनी प्रैक्टिस और स्टडी पीरियड में अपन ने सबने देखा होगा जब बीपी कम हो जाती है तो हेड लो पोजीशन दे देते हैं, तो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन को क्या बोलते हैं? हेड लो, हेड लो पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल एक्यूटी कैन बी असिस्ट बाय, विजुअल एक्यूटी कैन बी असिस्ट बाय, ठीक है। इसका आंसर है रिफ्रेक्ट्रोमीटर। आप कंफ्यूज हो सकते हो, इरर ऑफ द रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तो रिफ्रेक्ट्रोमीटर कर दो, नहीं करना है। ऑप्थेल्मोस्कोप, एप्थोल्मोस्कोप से आई का एग्जामिनेशन होता है। स्नेनल चार्ट और गोनियोमीटर, स्नेनल चार्ट से क्या होगा? डिस्टेंट विजन, डिस्टेंट विजन का एग्जामिनेशन होगा। गोनियोमीटर क्या होगा? रेंज ऑफ द मोशन,
टू चेक द रेंज ऑफ द मशन, मतलब ये किसके लिए, ज्वाइंट के लिए, ज्वाइंट एग्जामिनेशन के लिए। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया स्नेनल चार्ट इज द करेक्ट आंसर। अपन जब आई एग्जामिनेशन के लिए चेक जाते हैं, वो जो कंप्यूटर में अपन को दिखाते हैं ABCD पढ़ाते हैं, उसको उस चार्ट को क्या बोलते हैं, स्नेनल चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्नेनल चार्ट डिस्टेंस विजन हो गया, जेगर्स चार्ट नियर विजन के लिए हो गया। जब नियर विजन के बारे में चेक करना है तो जेगर चार्ट, इशारा चार्ट कलर विजन के लिए हो गया। तीन चार्ट में से क्वेश्चन यूजली बनता है। ठीक है, विच इज नोन एज द हियरिंग टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ईयर चेकअप कराते हैं ENT डिपार्टमेंट, तो कौन सा ऐसा टेस्ट का नाम है जो हियरिंग टेस्ट के लिए। डिक टेस्ट मैंने पढ़ाया था किसमें करते हैं, स्कारलेट फीवर। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन में स्कारलेट फीवर में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी टंग पाई जाती है, जिसमें डिक टेस्ट करते हैं। शिक टेस्ट, शिक टेस्ट किसमें करते हैं, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉर्निबैक्टर, कॉर्निबैक्टम डिप्थेरी। इससे प्रिवेंशन के लिए अपन कौन सा DPT वैक्सीनेशन देते हैं, वेबर टेस्ट, एंड नेक्स्ट इज द ऑल ऑफ द अबो। तो वेबर टेस्ट क्या होता है, अपना ट्यूनिक फोक दिखा होगा तुमने, ट्यूनिक फोक की आकृति इस प्रकार होती है, तो इसको क्या करते हैं, जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल बोन, उसके ऊपर इसको रखते हैं और बैलेंस चेक करते हैं, वाइब्रेशन किस साइड है, कंडक्टिव एंड सेंसोरियल, हियरिंग लॉस के बारे में पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, वेबर टेस्ट कम इनटू हियरिंग टेस्ट। लेवल ऑफ द कॉन्शियस ऑफ द क्लाइंट इज असिस्ट बाय यूजिंग, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस कौन से स्केल से असिस्ट की जाती है, बार्डल स्केल, स्नेनल चार्ट, स्नेनल चार्ट, ग्लास्को कोमा स्केल, लंडन ब्राउनर मेथड। तो बार्डल चार्ट किस लिए करते हैं, प्रेशर सोर, बेड सोर सुना होगा, वही प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर को चेक करने के लिए बार्डन स्केल कहते हैं। स्नेनल चार्ट डिस्टेंट विजन टू चेक द डिस्टेंट विजन, स्नेनल चार्ट, ग्लास्को कोमा स्केल, कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए ग्लास्को कोमा स्केल, लंडन ब्राउडर मेथड यूज फॉर द बर्न, बर्न पेशेंट के लिए यह मेथड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी आर द क्लासिकल सिम्टम ऑफ, ये तीन सिम्टम है, फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी। ठीक है, वो किसका टिपिकल क्लासिकल सिम्टम है, तो अपन को बोलना है मेनिनजाइटिस, ये टिपिकल सिम्टम ऑफ द मेनिनजाइटिस इज द करेक्ट आंसर, सीधा आंसर है फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी, डायरेक्ट मेनिनजाइटिस। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन यूज टू डिटेक्ट द सीजर, सीजर क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अपने मूवमेंट ऑफ द बॉडी किससे कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, MRI, CT स्कैन, EEG और X-ray। ठीक है, तो इसके लिए टिपिकल EEG आंसर है, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रोड अप्लाई किए जाते हैं अपने मस्तिष्क हेड पे, EEG की जाती है सीजर्स वाले पेशेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर एज ए वीकनेस ऑफ द बोथ लेग एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपने लोअर पार्ट ऑफ द बोथ लेग में वीकनेस हो जाती है, अपने नीचे के दोनों पैरों में जब वीकनेस हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन, ए हेमिप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, क्वाड्राप्लेजिया, पैराफेरेसिस। तो इसमें दो चीजें, एक तो पेरेसिस और प्लेजिया, पेरेसिस मतलब वीकनेस, प्लेजिया मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ द फंक्शन। पेरेसिस में ओनली वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, और प्लेजिया जो लग रहा है वहां बोलते हैं पूरा उसका फंक्शन बंद हो जाना। ठीक है,
तो हेमिप्लेजिया क्या होगा, वीकनेस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी। टेट्राप्लेजिया और क्वाड्राप्लेजिया सेम है दोनों वर्ड, टेट्राप्लेजिया और क्वाड्राप्लेजिया चारों अपर एक्सट्रीमिटी दोनों हाथ दोनों पैर की में एकदम उसके फंक्शन एकदम कंप्लीट लॉस हो जाना, ठीक है, प्लेजिया लगा है। पैरेसिस मतलब वीकनेस, पैरा पैरेसिस आइदर या फिर तो दोनों पैर में कमजोरी आ जाएगी या दोनों हाथ में कमजोरी आ जाएगी, उसे बोलते हैं पैराफेरेसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, इसका आंसर है पैराफेरेसिस, ठीक है। अपाइकल पल्स इज ऑस्कल्टेड एट, अपाइकल पल्स कहां पे ऑस्कल्टेड होती है, क्वेश्चन क्या है, अपाइकल पल्स इज ऑस्कल्टेड एट। तो अपाइकल पल्स अपेक्स ऑफ द हार्ट पे चेक कर सकते हैं, कहां पे चेक करते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट। अभी अपन को ये चेक करना है कि अपेक्स ऑफ द हार्ट कहां पे, कौन सी लाइन में प्रेजेंट, तो कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में आता है। ऑप्शन ए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन, ऑप्शन बी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन सी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन डी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। एक्सिलरी लाइन और क्लेविकुलर लाइन को आपको समझना होगा, क्लेविकल यहां से अपना स्टार्ट होता है यहां तक एक्रोमियम प्रोसेस तक, तो मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, लेफ्ट साइड हार्ट अपने लेफ्ट साइड में होता है, तो मिड क्लेविकुलर लाइन और मिड एक्सिलरी लाइन बिटवीन द एक्सिला मिड लाइन, ओके। तो आपको उनको अच्छे से समझना होगा अपेक्स ऑफ द हार्ट कहां पे रहता है, उसका आंसर है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता कि सीवीपी पेशेंट सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करना है अनकॉन्शियस पेशेंट में, तो कौन सी लाइन पे चेक करते हैं, तो वहां पे आएगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, कौन सा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। लेकिन ओपाइकल पल्स के लिए पूछा है तो मिड क्लेविकुलर, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस में आए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन, अभी यहां पे समझना होगा नाइट्रोग्लिसरीन का कॉमन साइड इफेक्ट का क्वेश्चन आया है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का ड्रग का एक्शन क्या है, वेजो डायलेशन, एंजाइना में देते हैं यूजली, तो ये क्या करता है ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है ताकि सर्कुलेशन मेंटेन हो। तो नाइट्रोग्लिसरीन अगर ज्यादा दे दिया या फिर उसका साइड इफेक्ट आया, कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ड्रग से ब्लडलेसनेस से कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन से कोई रिलेशन नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, ये क्या हेडेक साइड इफेक्ट क्या है, मेनली हेडेक करता है, वैसे तो डायलेट करेगा तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम होगा। क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डीवीटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, डीवीटी का फुल फॉर्म है डीप वेन थ्रम्बोसिस, क्या है डीप वेन एंड थ्रम्बोसिस। और डीवीटी का क्लासिकल सिम्टम, पहला तो एक साइन आपको तुरंत याद आना चाहिए, होमान साइन, ये तो करेक्ट है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। होमान साइन में क्या होता है, जो अपना काप मसल होती है पैर के पीछे की, टिबिया फिबुला के पीछे जो मसल होती है उसे काप मसल बोलते हैं, तो काप मसल में सीवियर पेन होगा, सूजन आ जाएगी उसे स्वेलिंग बोलेंगे, ठीक है, टेंडरनेस होगी और रेडनेस होगी, ठीक है, तो स्वेलिंग है पेन है, साइनोसिस नहीं होगा, ठीक है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन अल्टर नहीं होता है, साइनोसिस नहीं होता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट डीबीटी में कौन सी चीज नहीं होती है। रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग्स इज टर्म एज, एंटायर मतलब पूरा, रिमूवल ऑफ द लंग्स, रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग, जब एक लंग्स या बोथ लंग को पूरा रिमूव कर दिया जाता है किसी भी कंडीशन में, इधर कैंसर हो या फिर कोई इंजरी हो, तो उसे क्या टर्मिनोलॉजी, 2013 डीएससीसी में क्वेश्चन आया, वेज सेक्शन, लोबेक्टोमी, न्यूमेरेक्टोमी, सेगमेंटल सेक्शन। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, अगर डिस्कशन अच्छे से नहीं कॉन्सेंट्रेट, एक पक्का गलत करोगे और लोबेटिक लोग इसका आंसर करो लोबेक्टोमी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है न्यूमोनेक्टोमी, क्या है न्यूमेरेक्टोमी इज द करेक्ट आंसर। वेज सेक्शन क्या होगा, जब किसी टिश्यू को ऐसे ट्राइंगुलर में अपन उसको कोई भी टिश्यू रिमूव करते हैं, वेज सेक्शन कहलाता है। लोबेक्टोमी रिमूवल ऑफ द वन लोब ऑफ द लंग्स, लंग्स के एक लोब को निकालना उसे बोलता है लोबेक्टोमी। राइट साइड, यहां पे क्वेश्चन दूसरा बनता है, राइट साइड में कितने लंग्स होते हैं,
अरे लंग्स तो दो ही होते हैं भाई, राइट साइड में कितने लोब होते हैं? राइट साइड में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड में कितने लोब होते हैं? तो 2 लोब होते हैं, ठीक है। सेगमेंट सेक्शन आपने सुना होगा, LSCS, लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ द वारफेरिन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, अगर एंटीडोट से रिलेटेड कोई आएगा, एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन एंड एंटीडोट ऑफ द वारफेरिन, दोनों में से ही क्वेश्चन आने के मोस्ट चांसेस है। प्रोटामाइन सल्फेट किसका है? हिपेरिन का। ये लो, पहला क्वेश्चन का आंसर अपन को मिल गया, हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट। नालेक्सोन किसका है? ओपियोड का, मॉर्फिन का। विटामिन के किसका है? वारफेरिन का। एन एसिटाइल सिस्टीन किसका है? पैरासिटामोल का। तो आंसर मिल गया अपना, विटामिन के किसका है? वारफेरिन। यहां पे याद रखना है वारफेरिन का दूसरा नाम कुमामुडीन, कुमामुडीन बोलते हैं वारफेरिन के अदर नेम को, ट्रेड नेम को। हो सकता है वारफेरिन नहीं दे, कुमामुडीन दे, तो आपको विटामिन के करता है। हिपेरिन का दूसरा नाम है डिमेरोल, हिपेरिन के नाम से भी आता है और डिमेरोल नाम के भी से भी क्वेश्चन आ सकता है। विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द करेक्ट आंसर। इकोलाई किसके लिए? यूटीआई और जीआई इंफेक्शन, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ओके। आप आंसर मिल गया आपको क्वेश्चन का। लीड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन, लेड एक तरह से सब्सटेंस है, उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रेक्सिस, प्लम्बिज्म, सिलिकोसिस, पार्किंसन डिजीज। तो लेड पॉइजनिंग को बोलते हैं प्लम्बिज्म, इज द करेक्ट आंसर। वन लाइन क्वेश्चन है, याद रखना है, लेड की पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आईओपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ठीक है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जब बढ़ जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सीधा आंसर होना चाहिए ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होगा? इंक्रीज आईओपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज। कैटरेक्ट में क्या होगा? ओपेसिटी ऑफ द लेंस, ओपेसिटी ऑफ द लेंस। रेटाइनल डिटेचमेंट, जब कोई कंडीशन में रेटाइना डिटैच, वहां से अलग हो जाता है, रेटाइनल डिटैचमेंट। माइड्रियासिस क्या बोलते हैं? डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल, उसे बोलते हैं माइड्रियासिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता में मदद करता है? इंसुलिन कम करता है, एस्ट्रोजन कोई रिलेशन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूको नियोजिनेसिस, क्या करता है? ग्लूको नियोजिनेसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय, इम्यूनिटी मेनली सेल मीडिएटेड होती है और एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से किससे रिलेशन है? बी लिम्फोसाइट, CD4, बेसोफिल, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। CD4 और CD8, CD4 हेल्पर सेल होती है जो HIV में डिक्रीज होती है, नॉर्मल वैल्यू 200 से 800 है, जिसमें HIV और एड्स हो जाता है जिसमें 200 से लेस देन होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। बेसोफिल्स WBC का एक तरह से टाइप है। टी लिम्फोसाइट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, पोर्ट्स डिसीज इज नोन एज, पोर्ट्स डिसीज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ मेनिंजस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स। तो पोर्ट्स डिसीज है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन इज नोन एज, क्वेश्चन पूछ रहा है बोन के ट्यूमर को क्या बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों ट्यूमर और कैंसर के पार्ट है। बिनाइन इनिशियल पार्ट से जो ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब एंटायर बॉडी में स्प्रेड या जो भी टिश्यूज के कॉन्टेक्ट है उसमें फैलने के चांस है। इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, टिश्यू सार्कोमा। सार्कोमा लग गया जिसके पीछे, उसका मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ओमा जिसके पीछे खाली ओमा लग रहा है वो है बिनाइन ट्यूमर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोमा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। ये अच्छे से अपन ने जो पेपर नंबर 7 था, मॉडल पेपर नंबर, उसको डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के एडवांस रूप में आएंगे और 10-15 डेज में मोबाइल ऐप लॉन्च कर देंगे, जिसके द्वारा आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस और टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।